क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि फिजिक्स के इक्विपमेंट के बारे में आप सब कुछ नहीं जानते? जैसे कि अगर हम स्क्रू गेज की बात करें तो उसके हर एक पार्ट को आप नहीं जानते, तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं। हमारे स्क्रू गेज में जो यू वाला पोर्शन है, इसको यू फ्रेम कहा जाता है, और इसमें लिखा रहता है कि मेन स्केल कितना मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है। हमारा मेन स्केल 25 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। अब इसमें जो छोटा सा पोर्शन है जो कि फिक्स्ड है और आगे से निकला हुआ है, इसको एनविल कहते हैं, और इसके अपोजिट वाले मूवेबल पोर्शन को स्पिंडल कहा जाता है। इन दोनों के बीच में आप किसी भी वायर को ऐसे फंसा के इसका डायमीटर मेजर कर सकते हो। अब आती है बात सर्कुलर स्केल की। ये जो घूमने वाला स्केल है इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 100 तक रीडिंग होता है, और ये जो सिलिंड्रिकल एरिया पे बेस्ड है इसको थिम्बल कहते हैं, और एंड में एक रैचेट होता है जिसके जरिए आप सर्कुलर स्केल को रोटेट कर सकते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता।